चुक कर रहे थे। और उस बायोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट में लास्ट कंसेप्ट हम लोग सीख रहे थे कि प्रोटीन का डीनेचुरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, डीनेचुरेशन करने का क्या क्या प्रोसेस होता है। हमने कहा कि जो भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसमें दो बातें हम लोग विशेष कर, उस एमिनो एसिड में, चूंकि एसिड मिलकर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो जो ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड मिलकर सारे एमिनो एसिड, इनकी कहानी क्या होती है। साथ में ये एक अटैचमेंट होती है, से अगर अलग मॉलिक्यूल्स मिले तो यहां से CHR" CHO। ठीक है, इसी तरह से ये क्या होता है, NH CHR" CHO। ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है। ठीक है, ये इसकी सीक्वेंस होती है। यहां से जब ये H निकलता है, यहां से जब ये H निकलता है तो स्ट्रक्चर बनता है NH CH R CHO NH CHR CHO NH CHR CHO। और ये यहां से क्या होगा, इस तरह से ये आपका सीक्वेंस जो होंगे वो बनेंगे। यहां जो बनता है इसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब यहां से जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, इस पेप्टाइड बॉन्ड में अगर हम आपको पीछे पिछले क्लास में बताए थे कि इस टर्मिनल को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन टर्मिनल, या इस टर्मिनल को हम लोग कहेंगे नाइट्रोजन और इसको कहेंगे हम लोग कार्बन टर्मिनल। जब भी दो एमिनो एसिड आपस में मिलते हैं तो मिलने के दौरान इनका कार्बन टर्मिनल और ये नाइट्रोजन टर्मिनल आपस में मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं, नाइट्रोजन टर्मिनल और कार्बन टर्मिनल। गुड इवनिंग पूनम, गुड इवनिंग। नाइट्रोजन टर्मिनल और कार्बन टर्मिनल आपस में मिलते हैं और मिलकर इस स्ट्रक्चर का, यानी कि एक लार्ज मॉलिक्यूल्स प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, हम अभी रिवीजन बता रहे हैं, जो कल हम पढ़ाए थे उसका हम थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कल कुछ लोगों की क्लासेज जो थी वो मिस हो गई थी, तो सोचे कि थोड़ा सा उन लोगों को रिवीजन बता देते हैं कि रिवीजन में क्या क्या हम बताए थे। ठीक, अब देखिए, फिर इसके बाद हम कहते हैं कि जो नाइट्रोजन और कार्बन के टर्मिनल आपस में मिलकर जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किए, ये कंसेप्ट क्या चलता है। अब यहां पे एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था, हमने कल आपको तीन साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट आपको सिखाए थे, कहे थे कि तीनों साइंटिस्ट जो थे वह डीनेचुरेशन जब प्रोटीन का किए तो नेचुरेशन दो बेसिस पर होता है, या तो इसके नाइट्रोजन टर्मिनल को ब्रेक करो और नहीं तो इसके कार्बन टर्मिनल को ब्रेक करो, या तो नाइट्रोजन टर्मिनल को ब्रेक करेंगे या तो इसके कार्बन टर्मिनल को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले, आपको याद होगा तो हम नाइट्रोजन टर्मिनल का ब्रेकिंग पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिसका नाम था सेंगर। हम बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, सेंगर मेथड में क्या था, सेंगर ने क्या बोले, कहे कि जो भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स लेंगे जिसको हम लोग सेंगर रिएजेंट कहे थे कि ये 2,4-डाइनाइट्रो 2,4-डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन, जिसको हम लोग DNFB कहे थे, 2,4-डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन। इसको हम लोग कहते हैं सेंगर रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेंगर रिएजेंट कहते हैं, सेंगर रिएजेंट। इन्होंने कहा कि अगर जो भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, हम काफी तेज खींचेंगे आज, क्योंकि क्योंकि ये कल पढ़ाया जा चुका है, थोड़ा सा रिवीजन करा दे, क्योंकि ये एग्जाम में एक बार नहीं सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहां से ये हाइड्रोजन फ्लोराइड लेकर निकल जाता है, क्या
क्या बनेगा, ट्रेन को भी अभी आना था, तो ये यहां से बना NO2, ये आपका हुआ NO2, यहां से क्या बनेगा NHCHR'COONHCHR"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 CHR
आयन के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो टूटेगा एच प्लस और OH माइनस में, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन ध्यान रखेंगे कहां से तोड़ना है, नाइट्रोजन टर्मिनल को ब्रेक करेंगे तो यहां से क्या होगा, ये एच जो है यहां अटैक करे और OH जो है यहां अटैक करेगा तो हमको कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, ये आपका NO2, ये आपका यहां से NO2, ये आपका एच सी एच आर डैश सी डबल ओ एच और यहां से क्या मिल गया आपका एन एच एच सी एच आर डबल डैश सी डबल ओ एन एच सी एच आर ट्रिपल डैश सी डबल ओ डॉट। तो ये जो हमको मिला वह डाई नाइट्रोफिनाइल, क्या मिला आपका डाई 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव है ये, क्योंकि ये एमिनो एसिड का डेरिवेशन है तो इसमें लोग करते हैं 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव, ठीक है। इसी को हम लोग करते हैं डी एन पी डेरिवेटिव। तो ये था किसका मेथड, सेंगर मेथड, ये था सेंगर्स मेथड, ठीक है। सेंगर का मेथड हमने सीख लिया था, सेंगर मेथड तो काफी सिंपल था, उन्होंने डीएनपी दिया। इसके बाद जो दूसरा मेथड था उन्होंने कहा कि जो अगला कॉम्प्लेक्स था जो हम लोग कहते हैं एडमान मेथड, क्या था इसका नेक्स्ट मेथड था जिसको हम लोग कहते एडमान मेथड। एडमान में क्या था, उन्होंने कहा कि जो भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हमको मिलेंगे उनको एक नए रिएजेंट के साथ मिलाओ। यहां पे था आपका एच, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि एक नए कॉम्प्लेक्स जिसका नाम उन्होंने दिया था फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, नाम क्या था C6H5, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, या इसी का अगर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ये अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो N डबल बॉन्ड सी एस, इसे कहते हैं फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, सॉरी फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। अब इसको उन्होंने क्या कहा कि प्रोटीन के साथ मिला देते हैं। त्रिपाठी जी गुड इवनिंग। अब इसको क्या करते हैं कि जब हम प्रोटीन के साथ मिलाते हैं तो क्या बनेगा, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये सी एच, ये आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ एन एच एच आर डबल डैश सी डबल बॉन्ड ओ एच सी एच आर ट्रिपल डैश सी डबल बॉन्ड ओ डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही इनको मिलाएंगे, अब देखो क्योंकि ये मिलाना किस टर्मिनल पर है, नाइट्रोजन टर्मिनल पर इसको मिलाना है। अब जैसे ही हमारे पास नाइट्रोजन टर्मिनल पर मिलाएंगे, मिलाने के बाद क्या करते हैं कि बॉन्ड की सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ब्रेकिंग करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा टारगेट होगा कि बॉन्ड की ब्रेकिंग करें, ठीक। अगर मान लीजिए इस स्ट्रक्चर को हम नीचे के थोड़ा, ये C6H5CS है, ठीक है। अगर यहां से हम बॉन्ड को ब्रेक करें, ठीक है, यहां से हम बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो जैसे ही यहां से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का अटैकिंग कराते हैं इस नाइट्रोजन के पास, तो ये बॉन्ड क्या हो गया, फ्री हो गया, यहां के मॉलिक्यूल्स फ्री हो गए। तो यहां के जब मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाएंगे तो हम क्या देख सकते हैं, C6H5, गौर से देखिएगा, N यहां हाइड्रोजन आ गया, H,
ठीक है, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये आपके क्या है, सल्फर, क्या है आपका, सल्फर। अब ये कार्बन मालिकूल इसका हो गया फ्री हो गया, तो यहां आ गया एन एच सी एच आर डैश सी डबल ओ एन एच सी एच आर डबल डैश सी डबल बॉन्ड ओ एन एच सी एच आर ट्रिपल डैश सी डबल बॉन्ड ओ डॉट। ठीक है, ये हुआ आपका पहला प्रोडक्ट। ये कब हुआ, एल्कालाइन मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो। ठीक, फर्स्ट स्टेप हम एल्कालाइन मीडियम में रिएक्शन करा दिए। अब इसके बाद क्या होता है, अब आगे समझिए। अब इसमें क्या होगा कि जो भी हमारे पास है, अब इससे हम कोई भी एमिनो एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। कोई भी ऐसी एमिनो एसिड हमारे पास अगर आए या कोई भी एसिडिक मीडियम है उसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं। जो फर्स्ट स्टेप बनता है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है, वो जो होता है वो अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है। कहां से टूटेगा, नाइट्रोजन टर्मिनल से टूटता है। कहां से, नाइट्रोजन टर्मिनल। अब ध्यान रखेंगे, यहां से ये मॉलिक्यूल्स की ब्रेकिंग होगी। ठीक, पहले मॉलिक्यूल्स जो ब्रेक होता है तो ये अपने आयंस जो होंगे वो शिफ्ट होंगे, अपने आयंस को लेकर ये हटेगा यहां से। और जैसे ही अपने आयंस को लेकर हटता है तो हटने के दौरान क्या होता है कि ये पहले स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक, किसके प्रेजेंस में होता है रिएक्शन, H प्लस आयन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। H इसको मिलता है, ये बना लिया अपना H H C H R डबल डैश C डबल बॉन्ड O N H C H R ट्रिपल डैश C डबल बॉन्ड O डॉट, ये अपना एक प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल्स जो मिलते हैं ये क्या करते हैं, यहां से आपका क्या है C6H5N H है और ये आपका C है, ये S है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर गया। अब जैसे ही ये बॉन्ड की ब्रेकअप होती है तो ध्यान रखेंगे क्या होता है कि ये हाइड्रोजन, ये H प्लस आयन कहां से आता है, यहां का हाइड्रोजन ये शिफ्ट हो जाता है, क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो ये H प्लस आयन यहां कर अटैक करता है, तो यहां पर भी अपना इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर आपस में क्या कर लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लिए, डबल बॉन्ड बना लिए। अब इसके बाद क्या है, नाइट्रोजन है, इसके साथ ये क्या है कार्बन, यहां हाइड्रोजन और ये आर डैश, और इसके साथ कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब जरा गौर समझिएगा, इस कार्बन की अपनी एक वैलेंसी जो है इनकम्प्लीट है, एक दो तीन ही है, ये सल्फर के साथ बॉन्ड बना लेता है। क्या करता है, सल्फर के साथ बॉन्ड बना लेता है। ध्यान रखेंगे ये एक अनस्टेबल कंप्लेक्स होता है। कैसा होता है, ये एक अनस्टेबल कंप्लेक्स होता है। आपको याद होगा कल हम यहीं पर रोक दिए थे, कहते कि आप लोग यहीं पर बना के छोड़ देना, आप लोग से अगर नहीं आएगा तो। लेकिन इसके बाद भी अगर आप चाहो तो जैसे आप इसको हीट करोगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे तो इसमें एक रीअरेंजमेंट हो जाती है। हीटिंग के बाद रीअरेंजमेंट कैसे होती है इसको समझना है। अब देखो, जैसे इसको आप हीट करोगे तो इसमें क्या होती है कि रीअरेंजमेंट स्ट्रक्चर में क्या होता है, रीअरेंजमेंट क्रिएट होता है। वो रीअरेंजमेंट कैसे होता है, जैसे हीट करते हैं तो इसका हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहां से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और यहां से ये सल्फर मॉलिक्यूल्स जो है वह ब्रेक होता है। ठीक है, ये सल्फर यहां से ब्रेक होता है और फिर उसके बाद से यह नाइट्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन ब्रेक हुआ और ये इसका डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। मतलब एक आयंस फ्री रेडिकल के रूप में यहां बच गया, ये अपने फ्री रेडिकल्स के रूप में बच गए और ये अपने यहां से फ्री रेडिकल्स के रूप में बच गए। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये पुनः अपना डबल बॉन्ड बना लेते हैं। ये सल्फर इसके साथ डबल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ये आकर इस नाइट्रोजन के साथ पैचअप कर लेता है। ठीक है, अब क्या बच गया, यहां पर इनकी फ्री रेडिकल्स बच गए। ध्यान रखेंगे, इनका एक फ्री रेडिकल बच गया और इस कार्बन का रेडिकल्स अपना चला गया, इसका कहानी खत्म। मतलब आयंस कहां बचे हैं,
ये कार्बन अपना बॉन्ड ब्रेक किया, अपने फ्री रेडिकल में मिला, इस सल्फर के साथ अपना डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इस नाइट्रोजन को क्या मिल गया, हाइड्रोजन, इसके रेडिकल्स कंप्लीट हो गए। इसके पास नाइट्रोजन के पास अपना एक रेडिकल बचा है, और ये कार्बन जब बॉन्ड ब्रेक किया तो इनके पास सल्फर के पास था, ये अपना डबल बॉन्ड बना लिया, इस कार्बन के पास अपना एक रेडिकल बचा है। अब ये कार्बन क्या करता है, ये रेडिकल जो है इस नाइट्रोजन के साथ आकर मिलता है, क्या मिलता है, इस नाइट्रोजन के साथ मिलता है, तो कैसे कॉम्प्लेक्स बनाता है समझना, C6H5, इसके बाद क्या है आपका नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन के साथ कौन मिला, कार्बन, किस बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, ठीक है। अब इस कार्बन के बगल में कौन जुड़ा है, एक कार्बन, इसके एक तरफ क्या है हाइड्रोजन, दूसरे तरफ क्या है आर डैश, इसके साथ कौन जुड़ा है नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के साथ अभी क्या आकर मिला है हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा है, ये कौन सा है, नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा है, ये कार्बन, तो ये आ गया आपका, क्या मिल गया आपका, एक काम करो थोड़ा सा इसको छोटा बनाते हैं, फिर से बनाते हैं, देखो ये है आपका C6H5, ये क्या मिला N, ध्यान रखेंगे N के एक तरफ, N पे दो टारगेट है, एक तरफ आपका कार्बन है और दूसरे तरफ क्या आया, ये कार्बन आकर जुड़ा किस बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद इससे क्या जुड़ा है, एक कार्बन, इधर की तरफ क्या है आर डैश, एक तरफ क्या है आपका हाइड्रोजन, ठीक, इसकी ये जगह यहां से खाली हो गया, ध्यान रखेंगे ये जगह यहां से क्या हो गया, यहां आ गया, यहां केवल क्या मिला हमको नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा है, इसका आया हुआ हाइड्रोजन, और देखो ये जो हाइड्रोजन है ये आपस में किससे जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, और बीच में कौन है हमारे पास सल्फर है, तो ये जो जुड़ेगा तो आप इसको अब ऊपर खींच दो, ये कार्बन है, ये जुड़ गया इसके साथ और ये मिल गया आपका सल्फर, ये एक कंप्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं फिनाइल थायोसाइनेट, ये एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, यही इसका रियल प्रोडक्ट है। कल हम एक पढ़ाए थे तो उसमें हम एक छोटा सा मिस्टेक कर दिए थे कि ये जो स्ट्रक्चर था यहां पर हम कहां पे था, हाँ यहां पर हम कार्बन को ढाकर यहां डाल दिए थे जिसमें कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए थे, ठीक है। तो हमसे कल रश्मि बोली भी थी कि सर आप जो थे कार्बन को 5 बॉन्ड, कार्बन को क्या आत्महत्या कराएंगे, मारेंगे उसको, कार्बन तो 4 ही बॉन्ड खींचता है। हमने ध्यान दिया कि हाँ ये बात तो सही है, इसलिए हम सोचे कि आज उसको रिविजन में इसको फिर से बता देंगे। तो ये एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ये जो मेथड है इसको हम लोग कहते हैं ये जो आपको थायोसाइनेट का मेथड हम लोग को मिला, ये जो है आपका बोलते हम लोग क्या बोलते हैं एडमान मेथड, क्या मेथड है एडमान मेथड, EDMANS, एडमान मेथड। हम इस मेथड को दोबारा इसलिए पढ़ाए क्योंकि ये एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दो मेथड तो हम लोग सीख लिए, तीसरा मेथड है उसको हम लोग कहते हैं डेंसिल मेथड, कौन सा मेथड है डेंसिल मेथड, जो इसका नेक्स्ट मेथड है उसको लोग कहते हैं डेंसिल मेथड, डेंसिल मेथड। डेंसिल मेथड क्या करता है, कहा कि जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसको क्या करो कि एक कैटलिस्ट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना कि इसका रिएजेंट याद रखना, डेंसिल मेथड को क्या कहते हैं हम लोग, इसका जो ये कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये एक बेंजीन, दूसरा डाई बेंजीन और इसके साथ ये CH3 का होल स्क्वायर, एक मालिकुल, 1,1-dimethyl, 1,1-dimethyl और इसके साथ होता है SO2Cl, जिसको कहते हैं 1,1-dimethyl एमिनो नेप्थेलिन, SO2Cl नेप्थेलिन, सॉरी ये स्ट्रक्चर क्या है, डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं नेप्थेलिन, ध्यान रखेंगे।
दो बेंजीन आपस में मिले तो ये नेप्थनील स्ट्रक्चर होता है, नेप्थनील, और ये SO2Cl को हम लोग कहते हैं सल्फोनील क्लोराइड, ठीक है। तो ये होता है 1,1-डाई-मिथाइल-एमिनो, उसके बाद क्या है नेप्थैलीन, उसके बाद क्या है पांचवें नंबर पर 1, 2, 3, 4, एक मिनट, एक सॉरी 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 1, 2, 3, 4, 5, नहीं डबल बॉन्ड, डबल रिंजिंग होती है, तो 1, 2, 3, इसको हम लोग लास्ट में कंक्लूड करते हैं, 5। अब पढ़े होंगे डाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर की नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रिज बॉन्ड को ढूंढते हैं, ब्रिज स्ट्रक्चर ढूंढते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके दोनों तरफ को नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो नेप्थलीन 5, सल्फोनील क्लोराइड, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर, इसमें क्या करते हैं, इसमें पुरानी स्ट्रक्चर को ही हम रिपीट करते हैं, ठीक है। इसको पुराने स्ट्रक्चर को रिपीट करते हैं, कैसे पुराने स्ट्रक्चर को रिपीट करते हैं, ये जो H था, ठीक है, अब जो ये HN है, HH CH R डैश C डबल बॉन्ड O, H H R डबल डैश C डबल O, NH CH R ट्रिपल डैश C डबल बॉन्ड O। अब ये जो HCl है इसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है। इसके साथ जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो क्या होगा, SO2 एंड CH3 का होल ट्वाइस, और ये मिला लेगा क्या चीज, NH CH R डैश C डबल बॉन्ड O, NH CH R डबल डैश C डबल बॉन्ड O, NH CH R ट्रिपल डैश C डबल बॉन्ड O डॉट। अब इसको क्या करते हैं कि H प्लस आयन, सेंगर मेथड पूरा फॉलो होता है, इसमें क्या होता है पूरा का पूरा सेंगर मेथड होता है। H प्लस आयन के प्रेजेंस में करेंगे H प्लस और OH, माइनस में यहां से ये ब्रेक होगा, OH आकर यहां जुड़ेगा, H जो हो यहां मिलेगा, तो क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, यह एक नेप्थलीन बना, नेप्थलीन के वहां पर ना एमीन है, ये CH3 का होल ट्वाइस, उसके बाद पांचवें नंबर पर SO2 होता है, SO2 के साथ में क्या मिलेगा NH, ये CH R डैश C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास प्रोडक्ट होता है। ये है आपका कौन सा मेथड, डेंसिल मेथड, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके क्या कहते हैं टर्मिनल को हम लोग आसानी से तोड़ते हैं, ठीक। तो नाइट्रोजन टर्मिनल को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स का डीनेचुरेशन कैसे करते हैं, ये तरीके हम लोग जो है सीख लिए, ठीक। अब इसके बाद के तरीके क्या है, इसके बाद के तरीकों को हम लोग आप सीखेंगे कि इसमें कार्बन टर्मिनल को कैसे रेसिड्यूज करते हैं। डालिए कार्बन टर्मिनल रेसिड्यूशन, कार्बन टर्मिनल रेसिड्यूशन, कार्बन टर्मिनल रेसिड्यूशन, कार्बन टर्मिनल रेसिड्यूज ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। सबसे पहला होता है, उसको कहते हैं हाइड्राजिनोलिसिस मेथड। देखो हाइड्राजिनोलिसिस मेथड क्या है, पहला है हाइड्राजिनोलिसिस मेथड। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजेनेसिस में क्या होता है कि जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है इसको हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं कि 373 केल्विन टेम्परेचर पर, कितने टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब
373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट कर देते हैं। जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होता है, ध्यान रखेंगे ये नाइट्रोजन है, इधर से आता है CHR COO, यहां से नाइट्रोजन हाइड्रोजन CH R CO एंड HCHR SS, ये डॉट डॉट आगे की तरफ बढ़ता है C OO। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, हीट कर देंगे। कितने डिग्री पर? 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन पर। और डाइजीन, ध्यान रखेंगे हाइड्रोजीन जो है वह NH2 हाइड्रोजीन के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करना है, ठीक है। यह हाइड्रोजन कैसा होता है? एनहाइड्रस होता है। एनहाइड्रस हाइड्रोजन जैसे ही इसको यहां पर मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, सारे कॉम्प्लेक्स जो है वह अलग अलग खंडों में विघटित हो जाते हैं, ठीक है। तो जो यहां पर अपना ये पुराना मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा आपका HNH CHR COO, यहां से फिर आपका NH CR RH CO OH और ये NH CHR SS CO, इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो हुए छोटे 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 आसानी से खंड में क्या होते हैं, टूटकर अलग अलग हो जाते हैं। आएगा समझ में? इसका सिर्फ एक ही मेथड है, और इसका दूसरा मेथड क्या है? एंजाइम मेथड। जैसे में कार्बन टर्मिनल का जो चौथा मेथड जो होता है वह एंजाइम मेथड होता है, इसमें भी हम एंजाइम के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि इसके कॉम्प्लेक्स को छोटे छोटे खंडों में तोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहां से आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वह खत्म हो गया, प्राइमरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर जो है वह आपके खत्म हो गए, ठीक है। अब इसके बाद आता है सेकेंडरी प्रोटीन। हम आज सेकेंडरी प्रोटीन ही शुरू करने वाले थे, लेकिन चूंकि कल कुछ डाउट बच्चों को रह गया था, इसलिए आज हम फिर से प्राइमरी प्रोटीन को शुरू किए। अब देखिए सेकेंडरी प्रोटीन जो है, डाल लीजिए सेकेंडरी प्रोटीन टेल अस अबाउट द शेप एंड कन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, कन्फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड चेन इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एक्सरे स्टडी चलिए, विद द हेल्प ऑफ एक्सरे स्टडी वी फाउंड देयर आर मेनली टू डिफरेंट ऑफ कन्फर्मेशन हेलिक्स two types of conformational helix, alpha helix and beta helix, alpha helix and beta helix। ध्यान रखेंगे alpha helix तो ठीक है, beta helix को आगे चलकर हम लोग pellet sheet के नाम से जानते हैं, या PLEATED पैलेटेड या पैलेट सीट SHEET पैलेट सीट का मतलब क्या होता है, एक तरह का एक आप इस तरह से कुछ सीट बैनर टाइप का इसमें स्ट्रक्चर मिलते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि बीटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। बीटा सीट हम सबसे पहले पढ़ेंगे बीटा हेलिक्स और प्लेटेड सीट।
इसमें देखो क्या होता है कि जो भी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं, ये स्ट्रक्चर जो होता है वह जिग जैग होता है। कैसा होता है, लिख लो, बीटा पेप्टाइड या बीटा हेलिक्स इज अ, या लिखिए बीटा हेलिक्स, या लिखो इन द बीटा हेलिक्स, इन द बीटा हेलिक्स पेप्टाइड चैन, इन पेप्टाइड चैन इन सिल्क फॉर्म, सिल्क फाइब्रियन आर फुल्ली एक्सटेंड इन द फॉर्म ऑफ, फुल्ली एक्सटेंड इन द फॉर्म ऑफ जिग जैग, इन द फॉर्म ऑफ जिग जैग, जिग जैग। देखो दिज दिज चैन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड लाइज साइड बाई साइड, साइड बाई साइड एंड हेल्ड वन टू अनदर बाई, एंड हेल्ड वन टू अनदर बाई हाइड्रोजन बॉन्ड, हेल्ड टू अनदर बाई हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर, कहा कि अगर मान लो कि हमारे पास ये कार्बन मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर इधर से आ रहा है, ठीक है, ये क्या है सी एच, ये है आपका आर, सिंगल आर या आर डैश ले लो, फिर क्या है आपका एन, ये एच सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरह से आप ले लो सी एच आर डैश, ये एन, ये नीचे की तरफ गया कार्बन ऊपर की तरफ, इसके बाद सी एच, ठीक है आर, ठीक है सी एच, नाइट्रोजन को फेंक दो थोड़ा सा ऊपर एन, यहाँ आ गया एच, ये आ गया सी, यहां से आ गया आपका सी, क्यों गलत हो रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच एन एच, उसके बाद क्या आता है एन एच, उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ एन एच आर, फिर उसके बाद एच, फिर आता है सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, फिर उसके बाद उसको लेके जाओ ऊपर, ये सी एच, ये आर डैश, ये क्या आपको क्या मिल गया क्या एन, ये एच डॉट डॉट, बस कितना बराबर, ठीक है। इसके बाद अगला स्ट्रक्चर क्या है, एन ये एच सी एच ये आर, सारे स्ट्रक्चर को मैं रिपीट कर दो, एन एच सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है सी एच एन सी एच सी एच, ये आपका आ गया कितना आर डैश, ये आपका आ गया एन एच एन एच, फिर उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ सी एच आर डैश डबल डैश एन एच, सही है स्ट्रक्चर। एन एच कुछ कुछ तो गड़बड़ है स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर जो है वह सही तो नहीं लग रही हमको। NH, NH के बाद क्या आएगा CH, ओहो इधर से रिपीट कर दो, NH CH R C डबल बॉन्ड O, फिर यहां से N H C H R डैश C H R डैश C डबल बॉन्ड O, फिर ये N H C H R डैश C डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी जो ये स्ट्रक्चर होता है ध्यान रखेंगे, ये सारे के सारे आपस में क्या होते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इनकी अटैचमेंट होती है, यहां से ये जुड़ जाते हैं, यहां से ये जुड़ जाते हैं, ठीक है,
इसका नाइट्रोजन का हाइड्रोजन यहां ला दो, यहां से ये अटैच हो जाते हैं, ठीक है, यहां से ये अटैच हो जाते हैं और यहां से इस तरह से क्या होते हैं, ये जिग जैग स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। अगर आप इसी स्ट्रक्चर को क्या करोगे कि अगर आप गौर से देखो, ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है, ये कुछ क्या होते हैं, ऐसे मिलते हैं, ठीक है। इन तरह के स्ट्रक्चर जो है इनका, जो ये सीट का निर्माण होता है, आपको बताएं ये आपस में क्या करते हैं कि एक सीट जैसा स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, उस इसी को हम लोग कहते हैं प्लेटेड सीट। जैसे एक प्लेट होता है, इनकी शेप जो होती है कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, इस तरह की अटैचमेंट इनकी होती है, ठीक। और यहां पे जो स्ट्रक्चर होते हैं आप देखोगे, गौर से देखो तो आपको देखना मिल रहा है कि ऐसे स्ट्रक्चर जो है इनकी इस तरह से बेंडिंग होती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है इनका पैलेट सीट स्ट्रक्चर कहलाता है, ये आपका बीटा हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो अल्फा हेलिक्स होता है वह क्वाइल्ड शेप में होता है। अल्फा हेलिक्स बीटा हेलिक्स से अलग होता है। तो दूसरा जो है आपका अल्फा हेलिक्स, वो जनरली क्वाइल्ड शेप में पाया जाता है। तो लिख लो अल्फा हेलिक्स, लिखो व्हेन द साइड चेन इज पॉलीपेप्टाइड, व्हेन द साइड चेन इन अ पॉलीपेप्टाइड आर बल्कि द बीटा स्ट्रक्चर इज नॉट, द बीटा स्ट्रक्चर इज नॉट फ्लेक्सिबल इन सच अ केस अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज एडॉप्टेड ठीक है देखो अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, साइंटिस्ट थे पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप पढ़े होंगे, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग PAULING, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा क्रिएटिन, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर अल्फा क्रिएटिन which in the constituent structure protein in hair nails etc इन अल्फा हेलिक्स या द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज मेनली इन क्वाइल्ड शेप इच हेलिक्स टर्न having 3-7 amino acid, 3-7 amino acid which are connected by hydrogen bond. The distance between two helix is mainly 5.4 arm angstrom. ये डाटा याद रखना, ये कई बार के एग्जाम में पूछा जाता है, 5.4 arm angstrom, ठीक है। अब जो अल्फा हेलिक्स होता है ध्यान रखेंगे, एंड द डायमीटर लिख लो, ध्यान रखें डिस्टेंस बिटवीन है, और लिखो द डायमीटर ऑफ द अल्फा हेलिक्स इज
10 आर्मेंगस्ट्रॉन। हो गया, नोट करके लिखो, अल्फा हेलिक्स मे बी लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड। ध्यान रखेंगे, लेफ्ट हैंडेड भी फॉलिक्स हो सकता है और राइट हैंडेड भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है। ठीक है, आप अगर चाहें तो ये इस तरह से भी ये हेलिक्स का फॉर्मेशन कर सकता है, और ये चाहे तो इस तरह के भी हेलिक्स का फॉर्मेशन कर सकता है। ये दोनों तरह की हेलिक्स का फॉर्मेशन कर सकता है, तो लेफ्ट हैंडेड भी होता है, राइट हैंडेड भी होता है। ठीक है, जो भी हेलिक्स होते हैं, ध्यान रखेंगे प्रत्येक हेलिक्स में क्या होता है कि एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। अगर हम एक हेलिक्स का स्ट्रक्चर आपको स्ट्रक्चर बनाए कैसे दिखाई देता है, तो आप देखेंगे, मान लो कि हमारे पास हम इस तरह की एक हेलिक्स है। ध्यान रखेंगे, एक हेलिक्स से दूसरे हेलिक्स का बीच का डिस्टेंस 5.4 आर्मेंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, और इनका जो डायमीटर होता है वह 10 आर्मेंगस्ट्रॉन का होता है। आपके एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में सिर्फ अल्फा हेलिक्स को डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है और इनके बीच का डिस्टेंस और डायमीटर पूछा जाता है। अगर आपको बनाना होगा तो ये नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये आपका कार्बन के मॉलिक्यूल्स है। स्ट्रक्चर को क्या करिएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ एन, सी डबल बॉन्ड ओ, ये एच, यहाँ पे आपका मिल गया एच, या सी डबल बॉन्ड ओ, ये आपका मिल गया एन, ये एच, यहां से आ गया आपका सी डबल बॉन्ड ओ, यहां से आपका आ गया क्या, सी डबल बॉन्ड ओ, यहां से आ गया आपका एन एच। ठीक है, ये क्या करिएगा आप, इसको, इस कॉम्प्लेक्स को, यहां से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां से इसका हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वह कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनकर तैयार होते हैं। अगर आप एक बिग हेलिक्स लेके चलते हो तो आप देखोगे, अगर एक बिग हेलिक्स देखोगे तो उसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह के दिखाई देंगे, एकदम स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इनके दो हेलिक्स के बीच का डिस्टेंस 5.4 एंगस्ट्रॉम और इनके डायमीटर कितने, 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये है आपके बीटा हेलिक्स और ये है आपका सेकेंडरी प्रोटीन। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोटीन समझ में आ गया, सेकेंडरी प्रोटीन समझ में आ गया, अब है डालो टर्शियरी प्रोटीन। टर्शियरी प्रोटीन लिखिए, टर्शियरी प्रोटीन ऑफ द प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन ऑफ अ प्रोटीन रेफर टू थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, रेफर टू थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर दैट इज फोल्डिंग एंड, दैट इज फोल्डिंग एंड बेंडिंग, दैट इज फोल्डिंग एंड बेंडिंग ऑफ द लॉन्ग पेप्टाइड चेन, दे हैव फोर स्ट्रक्चर या फोर मॉलिक्यूल्स। पहला लिखो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसमें लिख लो, हाइड्रोजन बॉन्ड में लिखो, हाइड्रोजन बॉन्ड मे राइज ड्यू टू, हाइड्रोजन बॉन्ड मे राइज ड्यू टू, क्योंकि इसमें क्यों लिखना है, कुछ है नहीं इसमें, ड्यू टू फ्री ओ एच, फ्री ओ एच और फ्री एन एच टू ग्रुप इन द पेप्टाइड चेन। दूसरा में लिखो आयनिक बॉन्ड, इसी को हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। लेकिन व्हेन एवर द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ग्रुप, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ग्रुप लाइक एज सी डबल ओ माइनस और NH3 प्लस
आर कंबाइंड टू ईच अदर टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड. और तीसरा लिखिए हाइड्रोफोबिक बॉन्ड. हाइड्रोफोबिक बॉन्ड लिखिए. सच बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन टू मिथाइल और टू फिनाइल ग्रुप. दो मिथाइल या दो फिनाइल ग्रुप के बीच में बनता है फिनाइल ग्रुप इन द साइड चेन. और चौथा लिख लीजिए. चौथा लिखिए डाइसल्फाइड बॉन्ड. लिखिए some protein chain are linked by डाइसल्फाइड बॉन्ड. तो कहां की जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें क्या होते हैं कि जो भी प्रोटीन मिलता है, क्योंकि ये 3D प्रोटीन होता है बेटा, 3D प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम लोग भी, चूंकि हमारा बोर्ड भी 2D है इसीलिए हम इस पर बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं. हम लोग का जो मेन स्टडी होता है वह आपका प्राइमरी प्रोटीन पर होता है. सारा रिसर्च हम लोग प्राइमरी प्रोटीन पर करते हैं, ठीक है. तो इसमें जो सबसे पहला चीज होता है कि इसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं या साल्ट ब्रिज होता है, वो कैसे काम करता है आपको बताते हैं, ठीक है. पहले चीज की हाइड्रोफोबिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स होता है या तो आपस में क्या हो, मिथाइल ग्रुप हो, ठीक है. ये क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन. हम आपको चारों एक ही में समझा देते हैं. या तो इनके दोनों के बीच में सल्फाइड बॉन्ड होते हैं, इसको लोग कहते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है. या तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, या जो भी हमारे पास सी डबल ओ ऑक्सीजन इनके बीच में होगा, ये किसके बीच में, एमीन के बीच में. यहां से NH3+ टूटेगा, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है. आई बात समझ में, आयनिक बॉन्ड होता है या इसी को हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज. जब भी आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो ये सॉल्ट ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा, और नहीं तो इनके बीच में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप C OO और यहां से क्या आपका N और H, ये इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड. लो यकी में हम सब बता दिए. तो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है, जो आपका टर्शियरी प्रोटीन होते हैं, टर्शियरी प्रोटीन में कुल मिलाकर चार स्ट्रक्चर होते हैं. सबसे पहला हाइड्रो, आप पहला क्या बताए थे, हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर उसके बाद आयनिक बॉन्ड, फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड, या आप हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, या सीक्वेंस में किसी आधार से आप कर सकते हैं. तो ये चार स्ट्रक्चर जो होते हैं इसमें होते हैं. और लास्ट आप लिख लीजिए क्वार्टनरी स्ट्रक्चर. लिखिए The quaternary structure of the protein include any protein in which the negative nucleophile are made up of several different subunit. Several different subunit and it refer the number in which this unit
these units are grouped together. ठीक है, तो इसमें कई सारे स्ट्रक्चर आपस में मिलकर एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी, चार तरह के प्रोटीन स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं। ध्यान रखेंगे क्वार्टनरी स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए दिया जाए तो आप ऐसे क्या करना, गोला गोल 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 घुमा देना, ऐसे घुमा घुमा के कहीं कहीं पर मिला देना, हो गया क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको क्वार्टनरी बनाना हो बस ऐसे घुमाओ, लाओ ऐसे जब फूल, जितना फूल पत्ती आप घुमा सकते हो ऐसे फूल पत्ती बना देना, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर हो गया। आई बात समझ में? तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी, अगर आपसे कोई कहे कि अच्छा बताओ चारों का स्ट्रक्चर बना दो, तो बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है। चारों का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा स्ट्रक्चर होगा? आपने प्राइमरी का कैसे बनाया? प्राइमरी का स्ट्रक्चर जो था वह कैसा था? यह था आपका प्राइमरी। ठीक है, यहीं पर अगर आप इसको ऐसे फोल्ड कर दिए तो ये हो गया आपका सेकेंडरी। ठीक है, इसी को थोड़ा सा ऐसे और ऐसे आप थोड़ा सा आप मान लो इसे जिग जैग अगर थोड़ा सा इधर उधर घुमा दिए तो ये हो गया आपका टर्शियरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी और क्वार्टनरी तो आप आपके ऊपर है। ऐसे जिलेबी बनाइए, ये हो गया आपका क्वार्टनरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना हम लोग सीख लिए। अगले क्लास में होगा इसका न्यूक्लिक एसिड की कहानी। न्यूक्लिक एसिड में हम लोग सीखेंगे डीएनए और आरएनए। आई थिंक बायोकेमिस्ट्री की आखिरी क्लास होगी न्यूक्लिक एसिड, यहां से आपका ये जो पोर्शन है खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को बायो वाला उतना डिटेल सीखना नहीं है, डीएनए का थोड़े से स्ट्रक्चर, आरएनए के स्ट्रक्चर बताना है, चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।